पर्दे पर 30 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था खलनायक। जी हाँ, 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ लीड रोल में नजर आए थे। खबरें हैं कि अब सुभाष घई अपनी सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सुभाष घई ने बताया कि गदर 2 की सक्सेस के बाद उन्हें कई मैसेजेस आए। फैंस का कहना है कि खलनायक 2 क्यों नहीं बनाते और अब सुभाष घई इस बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। जल्द ही पॉजिटिव न्यूज के साथ अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। इस तरह की कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर और हर जगह वायरल हुई और अब कहा जा रहा है कि सुभाष घई खलनायक के अगले पार्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। संजय दत्त से कुछ डेट्स की बातें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं संजय दत्त का कहना है कि KGF 3 के बाद अब वो जल्दी ही खलनायक 2 की कहानी पर भी काम करने वाले हैं। वो दोस्तों आपको बता दें कि संजय दत्त के साथ एक और स्टार नजर आने वाले हैं और उन्होंने अभी तक स्टार का नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई ये कलाकार खलनायक 2 के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने वाले हैं और ये एक स्टार किड हो सकते हैं। वो देखना काफी दिलचस्प होगा कि सुभाष घई की फिल्म खलनायक 2 में और क्या क्या नया धमाका होगा। लेकिन हाँ, ये तो साफ है कि खलनायक 2 में एक बार फिर से संजय दत्त का दमदार एक्शन और उनका इंटेंस लुक आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि गदर 2 के बाद खलनायक 2 को लेकर आपका क्या ख्याल है।